Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about web development and the alignment of the div. आज हम alignment of the div के बारे में भी सीखेंगे. आज हमारा topic है web development के हवाले से HTML और CSS. जो हम HTML और CSS कर रहे थे उसमें आज alignment of the div के बारे में सीखेंगे कि div को आपने किस तरीके से align करना है. ठीक है, तो सबसे पहले एक start by start मैं आपको इसमें बताता हूँ. सबसे पहले जो आप notepad पे आप इसकी कोडिंग करेंगे, नोट पैड पर जो कोडिंग करेंगे वो डॉक टाइप HTML. सबसे पहले आपने डॉक टाइप HTML लिखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था HTML5 पे जब हम काम करते हैं. उसके बाद HTML, बेटा HTML यहाँ ओपन होगा तो लास्ट में कहाँ पे होगा, लास्ट में क्लोज होगा. याद रखिएगा, यहाँ पर ओपन होता है तो लास्ट में क्या होता है, क्लोज होता है. उसके बाद हेड आता है, हेड बॉडी से पहले हेड को क्लोज किया जाता है. हेड को कहाँ क्लोज किया जाता है, बॉडी से पहले, याद रखिएगा. उसके बाद स्टाइल. अब स्टाइल में हम क्या देंगे स्टूडेंट, जो हमने यहाँ डिव अलाइन की थी, डिव मैंने आपको बताया था ना, डिव क्या होता है, बॉक्स होता है. जो बॉडी के अंदर डिव अलाइन करते हैं हम, तो बॉडी के अंदर हमने देखें डिव क्लास इक्वल्स टू सेंटर, एक डिव अलाइन किया बॉडी के अंदर एक बॉक्स की सूरत में. इस बॉक्स के अंदर जो भी हमें कलर देना है, मार्जिन देना है, वो हम यहाँ पर सेट करते हैं. तो डॉट करके करते हैं, स्टाइल के बाद डॉट, सेंटर, सेंटर के बाद ब्रैकेट ऑन की, ये मार्जिन. सबसे पहले मार्जिन देखते हैं. तो मार्जिन बेटा कैसे होता है, मार्जिन पहले चार तरीके से मार्जिन चल रहा होता है. एक टॉप चल रहा होता है, एक टॉप के बाद चलता है राइट, राइट के बाद चलता है बॉटम, बॉटम के बाद चलता है लेफ्ट. तो चार तरीके से चलता है बेटा, याद रखिएगा. एक टॉप होता है, टॉप के बाद राइट, राइट के बाद बॉटम, बॉटम के बाद लेफ्ट. तो मैंने टॉप से जो मार्जिन किसको कहते हैं, जैसे स्केल में हम लोग लाइन खींचते हैं तो उसके आगे से काम शुरू होता है, इसी को मार्जिन कहते हैं. तो मार्जिन चार तरीके से चलती है, एक चलती है टॉप, एक चलती है राइट, एक चलती है बॉटम और एक चलती है लेफ्ट. ठीक है, लेकिन ये टॉप क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा टॉप, और जो राइट भी होता है, जो हमारे राइट पे स्क्रीन पे जो हिस्सा है इसको राइट कहते हैं. बॉटम सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है और जो लेफ्ट होता है वो इधर वाला हिस्सा होता है. तो बेटा मार्जिन हमने कितना रखा है, 10 pixels टॉप से. तो यहाँ से टॉप से जो छोड़ेगा वो 10 pixels छोड़ेगा. पिक्सल्स बहुत कम कम होते हैं, याद रखिएगा. जो स्मॉल डॉट्स होते हैं उसको पिक्सल्स कहते हैं. अच्छा, 0 pixel मतलब यहाँ से तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो यहाँ से ऑटो सेट रहेगा. और यहाँ पर बॉटम में भी ऑटो सेट रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, 0 pixel है. अब मैंने जो लेफ्ट से छोड़ा है वो कितना छोड़ा है, 243. तो आपको मैं दिखा दूँगा, 243 तकरीबन सेंटर तक ले आएगा. बॉक्स को कहाँ तक ले आएगा, वो सेंटर तक ले आएगा. जैसे कि मैंने आपको कल बताया था ना कि हमने कल कलर पिक्चर डालना तो सीखी थी, लेकिन हमने उस पर सेंट्रलाइज करना नहीं सीखा था. आज हमने सेंट्रलाइज करना सीखा है. अब विड्थ उस बॉक्स की विड्थ कितनी है, 60%. 60% मैंने बताया था ना, 100% होता है. 100% मीन्स आपकी पूरी स्क्रीन पर आएगा, और 60% मीन्स 50% ये होगा हाफ, और हाफ से थोड़ा सा बड़ा क्या होगा, 60% होगा, याद रखिएगा इसको. उसके बाद स्टूडेंट्स बॉर्डर देना है इसमें 3 pixel 3 pixel, और उसमें जो कलर दिया है ये कलर की कोडिंग कहलाती है. ये एडोब फोटोशॉप पे भी मिल जाती है, गूगल पे भी मिल जाती है आपको. फिर ये कलर की कोडिंग होती है, हैश में देते हैं. इसकी जगह आप ब्लैंक भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं. सॉलिड, और उसके बाद सॉलिड को हमने कलर दिया. ठीक है, सॉलिड भी बॉर्डर होते हैं, डॉटेड भी बॉर्डर होते हैं, बहुत सारे किस्म के क्या होते हैं, बॉर्डर होते हैं हमारे पास. फिर पैडिंग, पैडिंग का मतलब मैंने बताया था ना, जहाँ तक मार्जिन होता है, मार्जिन से जितना हिस्सा आगे जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं. पैडिंग भी आ गई. उसके बाद स्टाइल हो गया. क्या हो गया, उसके बाद स्टाइल हमने क्लोज कर दिया और हेड यहाँ पर क्लोज कर दिया. फिर बॉडी ओपन की. क्या ओपन की हमने, बॉडी. जब बॉडी ओपन करेंगे तो H2 हेडिंग 2 का टैग लगाएंगे. उसके बाद देखेंगे सेंट्रल अलाइन एलिमेंट्स. सेंट्रल अलाइन एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि हम किसी भी बॉक्स को सेंट्रल अलाइन कर रहे हैं. इसी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना चाहें आप इसी जगह लिख सकते हैं. अब पैराग्राफ, तो हॉरिजॉन्टली सेंटर अ ब्लॉक एलिमेंट लाइक दिस यूजिंग अ मार्जिन ऑटो. इसमें जो है हॉरिजॉन्टली हम पैराग्राफ में आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इसको अलाइन किया है डिव को, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल अलाइन कर दिया इसको यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, फिर डिव क्लास इज इक्वल्स टू सेंटर. ये देखें जो सेंटर की है, हमने डिव किसको कहते हैं, बॉक्स जो हमने बनाया था ना उसका नाम क्या दिया हमने, सेंटर. और उसकी जो कमांड होती है क्या होती है, क्लास. क्लास से उसकी कमांड करते हैं. जब क्लास से कर रहे होते हैं तो यहाँ पर डॉट लगाते हैं, और एक आईडी से भी करते हैं. किससे करते हैं, आईडी से. जब आईडी करते हैं तो यहाँ पे हैश लगाते हैं, हैश सेंटर लिखेंगे. अभी हमने क्लास से किया है इसलिए यहाँ पे डॉट सेंटर लगा है. ठीक है बेटा, उसके बाद टी इसके अंदर, इस डिप के अंदर हमने पैराग्राफ लिखा है हेलो वर्ल्ड के नाम से. इसके नाम से लिखा है हेलो वर्ल्ड. उसके बाद डिप यहाँ क्लोज किया है. डिप क्लोज करने के बाद
यहाँ पर बॉडी को भी हमने क्लोज कर दिया, फिर एच टी एम एल को भी क्लोज कर दिया। अब इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर मैं आपको डेस्कटॉप पेज का है तो मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। ये देखिए डेस्कटॉप पेज का है, यहाँ पर डेस्कटॉप पे जैसे ही खोलेंगे देखिए लिखा हुआ है हमारे पास हेलो वर्ल्ड। ये देखिए सेंट्रल अलाइन हुआ है, आप देख रहे हैं कहाँ पे अलाइन हुआ है, सेंट्रल अलाइन हुआ है। अब मैं इसको पीछे भी कर सकता हूँ, आपको पीछे करके दिखाता हूँ बॉक्स को। पीछे करने के लिए यहाँ पर हमने ये टॉप है, ये कौन सा है राइट, ये बॉटम, ये है लेफ्ट, तो इसको कम कर दें। इसको कम कर देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, अभी 243 है ना तो सेंटर में आ रहा है। अभी मैं 43 कर देता हूँ और कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, और सेव करना लाजमी है इसको। तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर F5 से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए पीछे आ गया। कहाँ आ गया, ये पीछे आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ इसके अंदर बताता हूँ, अब मैं इसको सेंटर में लाता हूँ, इसको दोबारा सेंटर में लाता हूँ, 243 दोबारा इसको सेंटर में लाया, इसको कलर दे दिया बेटा बैकग्राउंड कलर, क्या लिखेंगे बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड लिखते हैं। बैकग्राउंड लिखने के बाद कॉलन और सेमी कॉलन मैंने आपको बताया था ना, और इसके बीच में कलर लिखेंगे, तो पिंक बैकग्राउंड मैं पिंक दे देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव किया, दोबारा से इधर आता हूँ ऐप पर, देखिए पिंक कलर आ गया, क्या आ गया इसमें पिंक कलर आ गया आपके सामने आ गया पिंक कलर। अच्छा उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अब मैं अपनी तरीके से एक वेबसाइट बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया, इसके नीचे एक और बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है इस तरीके से। अच्छा ये थोड़ा सा ये है, ये यहाँ पर आ रहा है सेंट्रल आ रहा है, इसकी मैं जो ये होती है आपकी आप देख रहे हैं ये तो विड्थ है ना, ये हाइट कहलाती है, क्या कहलाती है हाइट, हाइट भी थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ मैं इसकी, ठीक है। तो हाइट बड़ी करने के लिए यहाँ पे जाऊँगा हाइट लिखूंगा मैं यहाँ पे, अभी तो वो डिफॉल्ट हाइट ले रहा है, हाइट मैं ले लेता हूँ बेटा, हाइट मैं कम से कम इसकी ले लेता हूँ 200 पिक्सल्स। चेक करते हैं 200 पिक्सल्स में कितनी आ रही हाइट, कंट्रोल एस से सेव किया और एफ पर, देखिए थोड़ा बड़ा हो गया बड़ा, ये आपके सामने थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये इसकी हाइट आ गई, क्या आ गई इसकी हाइट आ गई। अच्छा अब इसकी हाइट आने के बाद मैं यहाँ पर अब कुछ भी लिख सकता हूँ, पैराग्राफ लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ माई शॉपिंग वेबसाइट हेडिंग टू के अंदर, आप चाहें तो हेडिंग वन भी कर सकते हैं, हेडिंग वन करेंगे तो ये बड़ी हो जाती है इमेज, सॉरी हाइट, ये टेक्स्ट बड़ा हो जाता है H1। और यहाँ पर लिखता हूँ बेटा, क्या लिखूँगा माई शॉपिंग वेबसाइट, माई शॉपिंग वेबसाइट। और यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ भी लिखना है शॉपिंग के बारे में, दिस इज माई शॉपिंग वेबसाइट, वी हैव लॉट ऑफ आइटम्स फॉर सेल इन दिस सीजन, इन दिस सीजन। और ये आगे वाला मिटा देता हूँ डिलीट के बटन से, आगे वाला मिटा देता। अच्छा ये टैग आपने जरूर रखना है, टैग को नहीं मिटाइएगा, ये यहाँ तक मिटा दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। और यहाँ पर भी जो है ना हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं बॉक्स के अंदर लिखता हूँ क्लोज, क्लोज लिखता हूँ बॉक्स के अंदर क्लोज। जब हमने क्लोज लिख दिया बॉक्स के अंदर, इसको मैंने सेव कर दिया कंट्रोल एस से, आप चेक कर लेते हैं कि कैसी लग रही है वेबसाइट, ये आप जरा सही लग रही है माई शॉपिंग वेबसाइट, दिस इज माई शॉपिंग वेबसाइट, वी हैव लॉट टॉप आइटम्स ऑन दिस इन दिस सीजन क्लोज। अब एक और डिप में यहाँ पे बना लेते हैं, हम डिप बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका था, एक और डिप बना लेते हैं, ये है डिप, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहीं से इसको क्या कर लेते हैं कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक और डिप बनाते हैं, इसका भी नाम सेंटर दिया, बस इसमें ये चेंज कर देंगे, क्लोज की जगह हम यहाँ पर रख देंगे शूज, शूज रख देते हैं और इसको सेव कर देते हैं कंट्रोल एस से। और आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे एक और F5 बटन दबाते हैं, यहाँ शूज आ गए, क्या आ गए यहाँ पे शूज आ गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हम काम इसमें इजीली कर सकते हैं, ठीक है। कल मैंने तस्वीर भी आप लगा सकते हैं, कल मैंने आपको दिखा देता हूँ, मैं आपने तस्वीर लगाने का एक टैग होता है हमारे पास, वो टैग मैं आपको दिखा देता हूँ,
यहाँ पे सबसे पहले एक पिक्चर ले आते हैं, कोई भी पिक्चर ले आए आप डेस्कटॉप पे रखिएगा। पिक्चर को आप कहाँ रखेंगे? डेस्कटॉप पे, जहाँ पर आपकी फाइल होती है वहीं पर आपकी पिक्चर। यहाँ देख लेता हूँ, शायद कोई पिक्चर पड़ी हुई हो यहाँ, तो कोई पिक्चर नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ पिक्चर को डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे शायद कोई पिक्चर नहीं है, कोई पिक्चर पिक्चर को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। कोई भी पिक्चर ले लेते हैं, एजुकेशन की पिक्चर ले लेते हैं, शूज की ले लेते हैं, शूज की, शूज, शूज में जाएंगे और इमेज में जाएंगे और कोई भी शूज ले लें आप, ये वाले शूज ले लें जो आपको अच्छा लग रहा है। राइट क्लिक करें और सेव इमेज, क्या करेंगे? सेव इमेज। इसके ऊपर तो बैकग्राउंड नहीं है, तो कोई दूसरा ले लेते हैं, हाँ ये ले लेते हैं और सेव इमेज। और JPG में कर रहे हैं, JPG तो यहाँ पर नहीं है, तो एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं, दूसरी कोई ले लेते हैं, सेव इमेज है, सारी वेब की उसमें आ गई है। .jpg करना है, वैसे ऐसे नहीं होता है तो फिर हम लोग उसको फोटोशॉप पे ले जाते हैं, देख लेते हैं वो भी कोई ना कोई इमेज। JPG ये आ गई, JPG फॉर्मेट एक पिक्चर फॉर्मेट होती है, अगर कोई नहीं होती तो हम उसको फोटोशॉप पे ले जाके JPG कर देते हैं। तो इसको लिखते हैं शूज, क्या लिखते हैं इसको? शूज और .jpg और यहाँ से हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया शूज के नाम से। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खाली शूज लिखेंगे तो देखेंगे डेस्कटॉप पे जाके क्या लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अब मैं इसकी इधर जाता हूँ, शूज पे लिखा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं राइट क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं ये JPG की इमेज है। किस चीज़ की इमेज है ये? JPG की इमेज है, याद रखिए JPEG की इमेज है। अच्छा, उसके बाद मैं जो है एक काम करता हूँ, इधर जाता हूँ मैं, सबसे पहले एक इसके लिए मैं आपको कोडिंग बता देता हूँ। एक कोड होता है इसके लिए इमेज का, इमेज में आ जाते हैं HTML और इमेज के अंदर एक कोड आता है, इसका टैग होता है इमेज SRC के हवाले से, ये रहा इसका टैग, यहाँ से इसको उठा लेना है आपने। आप ये देख सकते हैं ये इमेज का टैग है, जब इसको आप देखेंगे तो ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? बॉडी के अंदर। ये टैग पूरा आपने यहाँ से कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर देना है, जहाँ पर आपकी वेबसाइट बन रही थी उधर पेस्ट कर देना है। हाँ बिल्कुल, अब ये आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप किधर करना चाहते हैं, देखिए आप कहाँ पे करना चाहते हैं, इस डिप के अंदर करना चाहते हैं ना, जहाँ शूज दिया था हमने, तो यहाँ शूज दिया था, यहाँ पे दे देते हैं पैराग्राफ, हटा देते हैं, क्या हटा देते हैं लिखा, और पेस्ट कर देते हैं SRC। आप बताएं इमेज का क्या नाम दिया था हमने? शूज। इसको नाम हटा के शूज रख देते हैं, ठीक है, हमारी डेस्कटॉप के किस नाम से? शूज के नाम से। और बेटा यहाँ पे एक अल्टर टैग होता है, अल्टर टैग क्यों होता है? इस वजह से होता है अगर इमेज नहीं आएगी तो उसकी जगह क्या लिखा हुआ है? शूज लिखा हुआ है। अगर कोडिंग से जैसे इमेज नहीं आती है तो क्या लिखा हुआ है? शूज लिखा हुआ है। अब ये विड्थ और हाइट की भी है, अभी मैं विड्थ और हाइट हटा देता हूँ, बाद में विड्थ और हाइट कर दूंगा, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है बेटा। विड्थ कितनी दी हुई है आप देखें जरा इसको, 500 और हाइट, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये तो कोडिंग चल रही है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। कंट्रोल एस से सेव किया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया मैंने इसको। अब मैं इधर जाता हूँ F5 पर, सॉरी इधर ये मैं आपके लेकर आता हूँ, ये देखिए HTML हमारी डेस्कटॉप पे, ये देखिए ये शूज तो आया है लेकिन ये क्या है, पूरा अलाइन नहीं हुआ, ये डिप के अंदर पूरा अलाइन होना चाहिए था, ये पूरा अलाइन नहीं हुआ है, तो इसको पूरा अलाइन करते हैं। इमेज SRC, अब आप चाहें तो इसकी विड्थ भी दे सकते हैं और आप चाहें तो इसकी क्या दे सकते हैं, हाइट भी दे सकते हैं। अब बताएं मुझे मैंने कितनी विड्थ रखी थी, 60% रखी है ना विड्थ, तो मैं विड्थ इसकी कितनी रख देता हूँ बेटा, 60% विड्थ कितनी रख देता हूँ इसकी, WIDTH विड्थ और ये रखा 60%,
वेट 60%, ये रख दिया। और हाइट कितनी रखी थी मैंने, हाइट बताइए भी जाएंगे, 200। हाइट कितनी रखी, 200 पिक्सल में रखी है। किसमें रखी है, चेक करते हैं कंट्रोल एस दबा कर, और इसको भी F5 करते हैं। ये देखें अभी ये कुछ हद तक बराबर पूरा भी नहीं आया है। अब हमें क्या पढ़ानी है इसकी, आप बताएं, वेट पढ़ानी है, वेट पढ़ानी है हमें इसकी। तो ये वेट को हम कर देते हैं 100%। कितने परसेंट, तो वो उस बॉक्स का 100% कर देगा। किसका 100% कर देगा, उस बॉक्स का। चेक कर लीजिए आप, कंट्रोल एस से सेव जरूर किया करें, F5। देखिए पूरा कर दिया 100%। पैडिंग छोड़ेगा, पैडिंग हमने दिया था ना, ये पैडिंग है, क्या है बताइए, पैडिंग है, ये छोड़ेगा। अब पैडिंग हटाने के लिए हम क्या करें, आप बताइए, आप बताएं पैडिंग हटाने के लिए क्या करें। ऊपर से पैडिंग को हटा दें, इसको ज़ीरो कर देते हैं या हटा ही दें, क्या कर देते हैं बेटा, ज़ीरो कर देते हैं या हटा ही देते हैं। अब F5 कर लीजिएगा, आगे बिल्कुल करेक्ट है। अभी तो इसका मतलब पैडिंग आपने हटा दी, क्या हटा देंगे, पैडिंग किस लिए रखें हम, टैक्स के लिए। लेकिन एक चीज़ चली गई, शूज़, क्या चली गई, शूज़ चली गई, जो हमने लिखा था शूज़। अब हम लिख लेते हैं शूज़ यहाँ पर हमने, अब हम यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं, देखो ऊपर इमेज आएगी, ऊपर क्या आएगी, इमेज आएगी। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं H1 का टैग लगाकर, क्या लगाते हैं, H1 का टैग लगा कर लिखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। H1 क्लोज कर दिया, अब चेक कर लीजिए क्या होता है, F5 देखें शूज़। अब हुआ क्या स्टूडेंट, हुआ ये कि ये जो शूज़ है ये इसके ऊपर आ गया, क्या आ गया, इसके ऊपर आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये डिस्टर्ब हो गई इमेज, क्या डिस्टर्ब हो गई। तो इसके लिए भी एक कमांड होती है जो हम इन लाइन इसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है। लेकिन इसके लिए आप बेहतरीन तरीका मैं आपको बता दूं, आप इसमें फोटोशॉप में लिखिएगा शूज़, इसमें लिखेंगे फोटोशॉप में शूज़ लिखिएगा, और उसी इमेज के ऊपर लाइएगा तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। ताकि जो एडिटिंग होती है ना, जितनी भी इमेज की एडिटिंग होती है, वो हम सब किसके करते हैं, फोटोशॉप पर करते हैं। क्योंकि अब जितनी कमांड लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे तो वो एक बहुत बड़ी वेबसाइट हो जाती है, और एक बहुत बड़ा जो मतलब जगह भी कहती है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें कहाँ पे एडिट करनी है, फोटोशॉप पे। अब तो ये तो होगी शूज़ की इमेज, अभी शूज़ की देख लेते हैं, शूज़ की कैसी लग रही, देखें शूज़ की परफेक्ट लग रही है बिल्कुल। अब हम क्लोज के लिए लेते हैं तस्वीर, किसके लिए लेते हैं तस्वीर, एक क्लोज के लिए लेते हैं, तो क्लोज की कोई तस्वीर ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे जाएँ आप गूगल में और लिखिएगा क्लोज, क्लोज क्लोज इमेजेस में चले गए, इमेजेस, और ये लेते हैं कपड़े के लिए, देखिएगा JPG में हो तो ज़्यादा अच्छा है, सेव इमेज JPG, बिल्कुल सही है JPG, क्लोज के नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। कहाँ सेव कर दिया बेटा आपने, डेस्कटॉप पे क्लोज के नाम से सेव कर दिया, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, चेक कर लेते हैं आगे, क्लोज के नाम से आ गया होगा, चेक करते हैं आगे कहाँ पे आया, ये आ गया क्लोज। अच्छा इसमें एक भी मिस्टेक हुई तो नहीं हो पाता, याद रखिए एक भी मिस्टेक हुई तो नहीं पाएगा। इधर आते हैं और सॉरी अपनी कोडिंग पे आते हैं। अब मुझे बताएं क्लोज की कोडिंग कहाँ दूँ, इसको कॉपी करता हूँ बेटा, क्लोज कहाँ पर है, क्लोज का डिप कहाँ पर बना हुआ है बताइए मुझे, ये तो इसका है ना शूज़ का है, क्लोज का ये रहा, ये है ना क्लोज का ऊपर वाला जो डिप है, इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या नाम दूंगा आप बताएं, शूज़ की जगह क्या दूंगा, क्लोज, क्योंकि वो किसके नाम से सेव है, क्लोज के नाम से सेव है, ये क्लोज का नाम दे दिया। वही चीज़ रखनी है, विड्थ 100%, 100% का मतलब है जो हमने बॉक्स लिया था ना उसका पूरा 100% करेगा, ठीक है। और हाइट भी आप कर सकते हैं 100%, कोई बात नहीं, आपने 200 पिक्सल कर दिया वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी 200 पिक्सल दिया हुआ है। लेकिन विड्थ बेटा याद रखिएगा, विड्थ हमेशा बॉक्स की लेनी है, किसकी लेनी है, बॉक्स की 100% लेनी है आपको, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से, अब चेक करता हूँ, डेस्कटॉप में दोबारा आते हैं, कंट्रोल एस से पहले सेव कर दिया, और ये आपके इंडेक्स फाइंड के देखें, क्लोज भी आ गया, क्या आ गए, क्लोज भी आ गए, शूज भी आ गए।
असल में ये पिक्सल्स थोड़े से इस वजह से फट रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? डिप का साइज थोड़ा ज़्यादा है और इसकी विड्थ ज़्यादा है, तो इसकी विड्थ कम कर लेते हैं। ठीक है बेटा, इसकी विड्थ कम कर लेते हैं। तो विड्थ कम करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? ये है ना, विड्थ कितनी परसेंट है? 60% है ना। आप कर लें 40%। कितने परसेंट कर लें? 40। आप चेक कर लें, थोड़ा सा पिक्सल सही हो जाना चाहिए। F5 का बटन दबाते हैं, सही हो गए। लेकिन ये सेंटर में नहीं आया। कहाँ पे नहीं आया? सेंटर में लाने के लिए हम कहाँ कौन सी कमांड में जाएंगे? मार्जिन। मैंने आपको बताया था ना कौन सी कमांड में जाएंगे? मार्जिन। तो मार्जिन में जाने के बाद ये देखें, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट। तो बेटा 243 है बेटा, आप बताएं हम क्या करें इसको? 343 करके देखें कहाँ जाता है, ये चेक करते हैं कहाँ जाता है। 343 पिक्सल्स करके देखते हैं कहाँ जाता है। और यहाँ पे F5 जरूर दबाना है। आ गया सेंटर बिल्कुल। और अब चीज़ भी आपकी थोड़ी अच्छी लग रही है, जूते भी अच्छे लग रहे हैं, क्लोथ भी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो भाई क्लोथ के ऊपर एक हेडिंग डाल सकते हैं क्लोथ की, और शूज़ के ऊपर एक हेडिंग डाल सकते हैं किस चीज़ की? शूज की। चलिए ये भी डाल देता हूँ मैं। लेकिन जब आप करेंगे ना, अभी आपको मुश्किल लग रही है, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है बेटा, आप देखें, ये देखें, मैं शूज़ के ऊपर नहीं, सॉरी, क्लोथ के ऊपर डाल रहा हूँ। तो यहाँ डाल दूँ ना, यहाँ डाल दूँ ना, इसके ऊपर डाल दूँ। ये भी इसका क्लोथ का बॉक्स ही है, तो इसके ऊपर डाल देता हूँ हेडिंग वन के नाम से। हेडिंग वन क्या नाम देना है इसको? क्लोथ। क्लोथ का नाम दिया और हेडिंग वन को क्लोज कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है बेटा, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। इसी को यहाँ पर कॉपी करना है। कॉपी पेस्ट जितना करोगे बेटा तो आपकी उतना ही टाइम बचत होगी। फिर यहाँ देखो, ये किस चीज़ का था बताएं? ये किस चीज़ का था? क्लोज का तो नहीं है ना, ये किसका है? शूज का है। तो यहाँ पर शूज आप चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, आप चेक कर लेते हैं। सेव जरूर करना था आपने, सेव जरूर करना है। सॉरी, F5 को करना है। ये क्लोज हो गया, शूज हो गया। लेकिन ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहे बताएं? तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? मार्जिन करना पड़ेगा। इसको भी क्या करना पड़ेगा आपने? मार्जिन करना पड़ेगा। या एक काम करें, इसको सेंटर में करने के लिए इन लाइन मार्जिन करते हैं। लेकिन ये बहुत आपको जो है ना, ये देखें, यहाँ पर H1 किया आपने, ये क्या लिखा हुआ है? शूज लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने कमांड दे देनी है। किस चीज़ की कमांड देनी है? हाँ, मार्जिन। जैसे हमने यहाँ पे कमांड दी थी ना, देखें, यहाँ पे हमने कमांड दी थी मार्जिन, तो यहाँ पर भी आपने मार्जिन की कमांड दे देनी है। स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। मार्जिन इनवर्टेड कॉमा, मार्जिन कितना रखना है आप बताइए? टॉप और बॉटम बिल्कुल वही रखना है जो आपने यहाँ रखा था। टॉप से कितने परसेंट रखना है? टॉप आपने 10 पिक्सल्स लेना है। 10 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स, उसके बाद 0 पिक्सल्स। और राइट से कितना लेना है? 343। और इसको यहाँ से सेव करवा देता हूँ। अब आपको कंट्रोल एस और F5 करते हैं, देखें इसमें जरूर कोई मिस्टेक हुई है। चेक कर लेते हैं कहाँ से कोई मिस्टेक हुई है। टेक्स्ट अलाइन में जाएंगे हम। टॉप है, राइट है, लेफ्ट है, बॉटम है, मार्जिन राइट, मार्जिन सेंटर। अगर मैं इसको टेन पिक्सल दिया था, मार्जिन यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 पिक्सल। अच्छा, मार्जिन, ठीक है। अलाइन, अगर मैं इसको एक अलाइन की कमांड देता हूँ, H1 स्टाइल, स्टाइल में जाता हूँ, इक्वल्स टू मार्जिन। मार्जिन में जाके कॉलन, सेमी कॉलन। अब बेटा मैं चाह रहा हूँ कि टॉप और बॉटम से तो जीरो रहे। क्या रहे? टॉप और बॉटम से जीरो, बल्कि कर देते हैं इसको 0 पिक्सल। और लेफ्ट से कितना दिया था हमने? 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। बॉटम से कितना दिया था? 0 पिक्सल।
यहाँ से हम 243 343 पिक्सल्स, और हमने कॉलम के बाद क्या देते हैं, सेमी कॉलम, एक तो दिया हुआ था ये कॉलम के बाद सेमी कॉलम। अब चेक करते हैं इसकी कमांड को कंट्रोल एस करके, क्योंकि ये डिप के अंदर कर रहा है, डिप के अंदर हमने किया, अपने ऊपर किया हुआ सही है। चेक करते हैं, अब आ गया, बिल्कुल सही आ गया, शूज का आ गया, आप चेक कर सकते हैं शूज का आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसमें सी एस एस मार्जिन दिया, इसके दिया सी एस एस दिया, क्या दिया था सी एस एस। देखें एच टी एम एल की कमांड विड्थ और हाइट तो उठा लेती है लेकिन मार्जिन नहीं उठा, क्या नहीं उठा दी मार्जिन। तो सी एस एस करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, स्टाइल, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना बेटा स्टाइल देना पड़ता है। अब यही चीज़ शूज में है तो मैं क्लोज में भी कर देता हूँ, इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, इतना हिस्सा कॉपी किया और कहाँ पे पेस्ट करूँगा बेटा आप बताइए, कहाँ है उसकी हेडिंग, क्लोज, ये आ गई, और कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। अब चेक करते हैं एफ फाइव का बटन दबा के, ये देखिए आ गई बेटा। अब मैं आपसे सवाल जवाब पर आया था, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन जी। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है जी, एक मिनट, किसी को कोई सवाल करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन बेटा, एनी क्वेश्चन। नो सर, अब जो है एक चीज़ मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स।